हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम बैक टू द कपिल इन्फिनिटी। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मालियन 400cc इंजन, जिसका है तो जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफरिंग पर्पज के लिए बनाई गई है। जितनी रॉयल एनफील्ड की बाइक है, अब तक क्रूजर बाइक आई है, अगर पावरफुल थी रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड ने न्यू लॉन्च करी थी काफ़ी टाइम पहले। हमारे कुछ चेंजेस हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और साथ में इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, डाउन पेमेंट क्या है, अगर आपको ईएमआई ऑप्शन चाहिए ईएमआई ऑप्शन पर आप क्या ले सकते हैं, ऑन रोड प्राइस आपको क्या पड़ेगा, मैं डिटेल आपको वीडियो बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले इसका फीचर बताता हूँ आपको, मैं उसमें अपग्रेड आया नया, वो अपग्रेड करने वाला आपको मैं। तो अपग्रेड क्या है, पहले इसमें ट्रिप मीटर नहीं आ रहा था, इसमें ट्रिप मीटर ऐड करा है, एंड साथ में कन्वर्टेबल स्विचेबल ABS भी मोड दिया है, जो ऑफरोडिंग का भी काफ़ी काम करने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, और आपको पहले मीटर बहुत दिखा दो, इसमें मीटर बहुत खोल से लगाए और आपका ABS कैसे काम करता है। अगर आपने देखा होगा पहले, तो ये ट्रिप मीटर है, अलग से एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और ये ABS स्विच है। इसको आप अगर 3 बार प्रेस करते हो तो जो पीछे के टायर का ABS सिस्टम है ये बंद हो जाता है, जो आपके ऑफरोडिंग में काम करता है। और इसको अगर आपको ऑन करना है, वापस 3 बार प्रेस करेंगे तो आपका पीछे का ABS ऑन हो जाएगा। तो जो इसका स्विचेबल ABS है वो काम कैसे करता है, जैसे आप ऑफरोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ABS का तो काम होता है ग्रिप ना छोड़े टायर को, ठीक है, ब्रेकिंग को अच्छे से दे, ब्रेकिंग अच्छे करें, एंड जब आप उसको ABS पे रहते हैं तो ABS पे जो ऑफरोडिंग मिट्टी वगैरह होता है, पच्चा वाला होता है, आइस होती है और पानी वगैरह होता है, वहाँ पे बाइक से पान, तो इसलिए ABS आप ऑफ करो, और ऑफ करके इसको ऑफरोडिंग आराम से इजीली ऑफरोडिंग करो, पीछे का सिर्फ इसमें आप ABS ऑफ होगा, आगे के बीच में पानी आएगा, ठीक है। तो ये स्विचेबल ABS का काम है। ट्रिप मीटर आप देख चुके हैं, ट्रिप मीटर जो बहुत जरूरी है यार, कि बाइक कितनी चल चुकी है, कितनी ट्रिप हमको चलानी है, कितने किलोमीटर में आपको माइलेज देनी है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करता है। तो सेकंड चीज जो आती है वो आती है इसके इंजन में डिस्प्लेसमेंट। इंजन की डिस्प्लेसमेंट है 411cc का इंजन दिया गया है, कंपनी इसकी माइलेज 30 किलोमीटर पर लीटर, और जो इसकी रोड पे माइलेज मिलती है 27-28 किलोमीटर की माइलेज की मिल जाती है इजिली। 32 Nm का टॉर्क है जो काफी पावरफुल है, और इसके जो पीछे का जो बैक सपोर्ट दिया हुआ है, पहले ये था सिर्फ ग्रिल में, अब इस पर ब्रेक लगा के दिया जाता है, और उसके कलर्स हैं काफ़ी न्यू कलर्स आ रहे हैं, कलर्स का डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको उसके प्राइस के ऊपर, तो उसका स्टार्टिंग 2,45,000 रुपये है, 245,000 है, प्राइस वेरिएट करता है कलर्स के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, टेक्सचर्स के ऊपर, जो पहुँचता है 256,000 तक का। तो दोस्तों, जो इसकी डाउन पेमेंट आती है 31,000 आती है डाउन पेमेंट, एंड इसकी जो EMI ऑप्शन है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का आप करा सकते हो। 1 साल की EMI ऑप्शन है जिसमें आप 19,000 रुपये की मंथली EMI ले सकते हो, 2 साल की है जिसमें आप 10,000 रुपये की दे सकते हो, 3 साल की है जिसकी आप 7,000 रुपये दे सकते हो, और 4 साल की जिसकी आप 6,000 रुपये पर मंथ EMI दे सकते हो। ये है EMI का ऑप्शन। अगर आपको कैश भी खरीदना है 2,45,000 रुपये 2,40,000 की आपको 411cc इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलती है, जिसमें आपको स्विचेबल ABS एंड ट्रिप मीटर के साथ में आपको न्यू वेरियंट, न्यू कलर्स काफ़ी अवेलेबल है। अलग अलग सिटी के हिसाब से प्राइस वेरियंट करता है, अलग अलग टेक्सचर के ऊपर से प्राइस वेरियंट करता है, और जो उसकी सीटिंग पोजिशन आपको दिखाने वाला हूँ, ये साइड स्टैंड पे है, और मैं जिसकी हाइट है देख सकते हो आप, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, कम्फर्ट काफ़ी अच्छी लेवल का है, जो सिटिंग पोजिशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। मेरी हाइट के हिसाब से हाइट मेरी है 5'10", और अगर आप 5'7" भी आपकी हाइट है तो आपके पैर आराम से लेंगे, पर अगर आपकी कम है 5'5" है तो मे भी आपके पैर सिर्फ टो टच करें जमीन पे, बाकी तो काफ़ी सही है, लुक भी काफ़ी अच्छा है इसका, हैंडलिंग है, सिटिंग पोजिशन काफ़ी अच्छी आती है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑफ रोडिंग अगर आप शौकीन हैं, आपको लॉन्ग राइड में ट्रैवल करना है, क्योंकि लॉन्ग राइड के हिसाब से इसकी सीट काफ़ी अच्छी दी गई है, तो पोजिशन आपके बैठने की बैक को काफ़ी सपोर्ट करता है, तो ये सब आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों, इसमें साथ में आपको हज़ार्ड इंडिकेटर भी देता है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो हज़ार्ड इंडिकेटर काम करेंगे, जैसा क्लासिक की वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो क्लासिक की वीडियो को लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लेना। एंड ये जो स्विच है, ये इंडिकेटर स्विच है लेफ्ट राइट में, ये इसका हॉर्न का स्विच है, हेडलाइट का और पास का, और ये इसके इंजन ऑफ ऑन के लिए, इंजन ऑफ के लिए सेल्फ है, और ये हज़ार्ड इंडिकेटर जो बहुत यूज़फुल है, आपको बाहर से इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को कमेंट करें, आपको बाइक का इसका और हिमालयन का जो फीचर अच्छा लगा हो उसका कमेंट जरूर बताना, और अगर कोई अपग्रेड ऐसा जो आपके माइंड में हो, अलग से जो रॉयल एनफील्ड को करना चाहिए हिमालयन के अंदर, तो आप उसको बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करो, तो क्या पता आने वाली बाइकों में रॉयल एनफील्ड उसको भी लेकर फ्यूचर को भी। अगर आपने मेरे पास न्यू मॉडल की वीडियो नहीं देखी, उसकी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, वीडियो को आप कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, और इसका जो राइड रिव्यू होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, इसकी टॉप स्पीड क्या होगी, माइलेज क्या देती है, और इसका कम्फर्ट क्या आता है, तो वो आप अगली वीडियो में देखना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जरूर सब्सक्राइब करना, एंड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।